उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए सपा ने अपनी तीनों सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। डिंपल यादव का राज्यसभा जाना बुधवार तक लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीसरी राज्यसभा सीट पर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को प्रत्याशी बना दिया। ऐसे में अब डिंपल यादव राज्यसभा नहीं जा रही हैं, जिसके बाद अब उनके आजमगढ़ लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने बुधवार को आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। सूबे की इन दोनों सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होना है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को कैंडिडेट बना सकते हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव किसी भी सूरत में आजमगढ़ सीट को खोना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने वहां से डिंपल को उतारने की तैयारी की है। आजमगढ़ संसदीय सीट छोड़ने के बाद अखिलेश यादव कई बार आजमगढ़ का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान वो लोगों का, कार्यकर्ताओं का मन भी टटोल चुके हैं। ऐसे में यादव परिवार से बाहर किसी दूसरे नेता को टिकट देकर उपचुनाव में उतारने पर स्थानीय नेताओं से बगावत का खतरा माना जा रहा है। क्या है आजमगढ़ सीट का गणित? आजमगढ़ लोकसभा सीट पर करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें करीब 4.5 लाख यादव वोटर हैं। मुस्लिम और दलित 3-3 लाख हैं, जबकि शेष अन्य जाति के वोटर हैं। ओबीसी में यादव जिस तरह से सपा के कोर वोटर माने जाते हैं, उसी तरह से बीएसपी का मूल वोट बैंक माने जाने वाले जाटवों की संख्या भी इस सीट पर अधिक है। बीएसपी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाकर मुस्लिम और दलित को एकजुट करने का दांव पहले ही चल दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के सामने आजमगढ़ में अपने विजय रथ को जारी रखने के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पिता की सियासी विरासत संभालने के लिए अखिलेश जिस तरह 2019 में आजमगढ़ सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, उसी तर्ज पर सपा अब अखिलेश की सीट से डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतार कर यादव मुस्लिम वोटों के समीकरण के सहारे अपने सियासी वर्चस्व को बनाए रखना चाहती है। दरअसल सपा ने अपने कोटे की 3 राज्यसभा सीटों के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, जिसमें निर्दलीय कपिल सिब्बल और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को सपा समर्थन दे रही है। सूत्रों का ये भी कहना है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने दिल्ली में अपने सरकारी बंगले को बचाए रखने के लिए पत्नी डिंपल यादव को संसद भेजना मजबूरी बन गया है। डिंपल यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से हार गई थी और अखिलेश यादव आजमगढ़ से जीत गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव करहल सीट से विधायक चुने गए, इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। फिलहाल यूपी की दोनों खाली लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। ऐसे में डिंपल यादव के आजमगढ़ लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। हालांकि बीच बीच में कई नाम आते रहे, लेकिन बदले हुए हालात में डिंपल का दावा सबसे मजबूत है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।